राधे। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे पूज्यपाद दंड स्वामी भक्ति वेदांत मुनि महाराज जी से, जो कि देश विदेश में बहुत जगह प्रचार करते हैं। महाराज जी का जो कीर्तन है वो विश्व प्रसिद्ध है। बहुत सारे कीर्तन महाराज जी ने बहुत अच्छे म्यूजिक के साथ दिए हैं और बड़ा ही विनम्र स्वभाव है, बहुत मृदुभाषी हैं। हमारे श्रील गुरुदेव जी के विषय में हिंदी में ही आप लोग उनसे सुनेंगे, उनकी इंग्लिश, हिंदी, बंगला, उड़िया, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान है। मैं निवेदन करूंगा महाराज जी से कि कृपया समय के अनुसार। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव उन विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, उन विष्टपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहितु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरण में मैं अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहितु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे अभिन्न गुरुपाद पद्म मध्य शिक्षा गुरु श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के चरण में साष्टांग प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडीपादगण वरिष्ठ भक्त वृंदों को मेरा पुनः पुनः प्रणाम। समस्त भक्त मातृवृंदों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज बहुत बड़ा शुभ अवसर है, शुभ तिथि है, श्री रामनवमी तिथि है, हम लोग ये जानते हैं। उससे भी बढ़कर भगवान के अत्यंत प्रिय परिकर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय परिकर श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि है। भगवान के आविर्भाव से कहीं गुण अधिक महत्व उनके प्रिय भक्तों का आविर्भाव तिथि है। हम ये बात को जानते हैं क्योंकि ये जगत में अगर शुद्ध भक्त आविर्भूत नहीं होते, शुद्ध भक्तगण को यहाँ जगत में नहीं आते, भगवान के महिमा कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान जीवों के आत्यंतिक कल्याण के लिए अपने प्रिय भक्तों को ये जगत में भेजते हैं और उनके अप्राकृत जीवन चरित्र के द्वारा, अप्राकृत लीलाओं के द्वारा जगत जीवों को कल्याण करते हैं। जिसमें अभी श्रवण किया
वास्तविक में ऐसे महापुरुषों की तिथि में उपस्थित होना, उनकी महिमाओं को श्रवण करने से ही हमारा कल्याण होता है। यहाँ मैं श्रवण करने के लिए आया था, लेकिन महाराज जी का आदेश हुआ और ये मेरा सौभाग्य भी है। मैं कुछ जो श्रवण किया उसमें से कुछ चुन चुन करके अपनी वाणी रूप की पुष्पांजलि में महाराज जी के चरण में अर्पित करूँगा। तो अभी हम लोग श्रवण किया, अभी प्रभु जी बता रहे थे, तो महाराज जी की लीला ये बड़ा अप्रकृत है, ये साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा, लेकिन उनका विशेष ये आकर्षण है जो उनके शिष्यों में मैं भी श्रवण किया, वो साधारण लीला लगता है लेकिन वो सब अप्रकृत लीला है। जैसे हम सुना कि संकीर्तन प्रचार में किस प्रकार वृष्टि हो जाता है और वृष्टि बंद भी हो जाता है, जैसे उनके प्रकृति प्रकृति देवी भी उनकी सेवा कर रहे हैं महाप्रभु के इस वाणी प्रचार में, उनके शुद्ध भक्तों की संकीर्तन लीला में। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव, यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भव। ये साधारण जीवों को, जगत के जीवों को पालन पोषण करने के लिए भगवान ये अन्न शस्य दिया, और उसको पोषण करने के लिए ये प्रकृति के द्वारा वृष्टि कराते हैं, यज्ञ कर्म समुद्भव। नहीं, वास्तविक जीवों की अत्यंत कल्याण खाली अन्न शस्य या बाकी सामग्री से नहीं होता, वास्तविक जीवों की अत्यंत कल्याण भक्ति संचार से होगा। अगर भक्ति नहीं रहेगा ये जगत में, ये यज्ञ में कृष्ण भक्ति बिना सब मिथ्याए संसारे, ये जगत अंधकार है, बेकार है, व्यर्थ हो जाएगा, जीवों का कोई कल्याण नहीं होगा अगर उनके अंदर में शुद्ध भक्ति का संचार नहीं होगा। ये शुद्ध भक्ति संचार संकीर्तन यज्ञ के द्वारा ही होगा, जो कि श्री सचिनंदन गौर हरि ने ये जगत में आकर के संकीर्तन यज्ञ की प्रवर्तन किया, और उनके प्रियकर श्री श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के ये जीवंत दृष्टांत हम लोग ये देखते हैं जीवन में, कि ये जैसे ये वृष्टि ये उदाहरण के द्वारा दिखाते हैं कि जब वो संकीर्तन महाराज जी के कीर्तन मैंने सुना है, बहुत इतने पावरफुल है, इतने शक्तिशाली है उनके जो संकीर्तन, और उनके जो नरसिंह भगवान के साक्षात जैसे भगवान वहाँ प्रकट हो जा रहे हैं, और इसीलिए उनके संकीर्तन में उनको बिल्कुल महाराज जी की जो लीला में अपनी श्रवण किया कि किस प्रकार वृष्टि बारिश उस समय इतना गर्मी में इस मधुसूदन महाराज बोल रहे थे किस प्रकार के बादल परछाई के बांधते जा रहा है, क्योंकि प्रकृति कृष्ण लीला हरी प्रकृति सुंदरी विस्तारिछे शोभावन, कि भगवान की लीला में जिस प्रकार प्रकृति सेवा करते हैं उस प्रकार अपनी शुद्ध भक्तों के लिए उनके जो भक्ति प्रचार संकीर्तन प्रचार ये जो नर्तन विलास महाप्रभु के प्रचार लीला में भी प्रकृति देवी सेवा करते हैं, इसके ज्वलंत उदाहरण है। ये सिर्फ शुद्ध भक्तों के लिए हो सकता है जो भगवान के महाप्रभु के परिकर हैं, दूसरे के द्वारा नहीं हो सकता है, कोई साधारण भक्त के ये कार्य नहीं कर सकता, ये असंभव है। उस प्रकार और एक लीला हम लोग श्रवण किया कि महाराज जी किस प्रकार एक मच्छर के प्रति भी कोई मच्छर नहीं मारते थे, धामवासी उनको भी धाम स्वरूप धामवासी स्वरूप दिखते थे, उनका दृष्टि कैसे था, ये परमहंस दृष्टि है। जैसे कहते हैं कि धामवासी गणे प्रणति करिया मागिब कृपायलेस, कि हम लोग के क्या होना चाहिए स्वभाव, अभी हम धाम में आ रहे हैं, हम लोग धामवासियों को पहचान नहीं पा रहे, हम सोच रहे जो तिलक माली और वेशभूषा है वही धामवासी हैं, लेकिन एक मच्छर एक बंदर दूसरे जीवों के प्रति धाम में जो वास कर रहे हैं कि कई जन्म यहाँ धाम में भजन कर रहे हैं वृक्ष लता आदि उनको अनादर कर रहे हैं, लेकिन महाराज जी कैसे स्वभाव है, वो मच्छर को नहीं मार रहे हैं जैसे साधारण बाप में हम लोग सोच सकते हैं, प्राणी मात्र मनोवाक्य उद्वेगन आदि महाप्रभु ने शिक्षा दिया है, कोई भी जीव को प्राणी में उसको कष्ट मत दो, उसको मन में दुख मत दो, ये स्वभाव है। लेकिन महाराज जी की दृष्टि कहीं अधिक है और ऊंचा है, कि वो धामवासी स्वरूप में देख रहे थे,
कि धाम में एक मच्छर है, उसको भी कोई प्रकार अनिष्ट ना पहुंचे, उसकी सेवा करते थे। तो ये शिक्षा के द्वारा हम लोग को ये शिक्षा लेना चाहिए कि महाराज किस प्रकार धाम वास कर रहे थे। जैसे रूप रघुनाथ रघुनाथ दास गोस्वामी ने शिक्षा दिया, जदिच्छेर वासम ब्रजभूमि सरागम प्रतिजनु जुबर द्वंद तच्चेत परिचरितुम आरात अभिलसे स्वरूपम श्रीरूपम तस्या ग्रजम अपि स्फुटं प्रेम्णा नित्य स्मरण मम तदा त्वं शृणु मन। अपनी मन शिक्षा में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, यदि धाम वास की इच्छा है, जबी राधा कृष्ण जुगल की सेवा करने की इच्छा है, मन में कभी राधा कृष्ण जुगल की सेवा परिचर्या में अपने आप को नियोजित करें तो कैसे संभव होगा। स्वरूपम श्रीरूपम तस्याग्रजम अपि सगणमी, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी और महाप्रभु के परिकर, महाप्रभु के जितने परिकर हैं उनको नित्य स्मरण करो। आज हम लोग यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं, क्योंकि महाराज के अप्राकृत दिव्य गुणावली के स्मरण करने के लिए। क्योंकि ये दिव्य गुण को अगर हम स्मरण करते हैं तो हमारा कई जन्म का भजन खाली उनके गुणावली स्मरण में हो जाता है। अगर शुद्ध भक्तों की लीलाओं को स्मरण करते हैं, वास्तविक में उनका संग होता है। संग माने नहीं कि उनके पास में हम लोग बैठेंगे तो संग होगा, उनको मन में हृदय में कितने रूपे धारण कर रहे हैं, उनके अंदर में अब महाराज जी को कितना हम लोग श्रद्धा करते हैं, कितना भक्ति के साथ है, उनके करीब हम जा पाए। अगर ऐसे स्मरण नहीं करेंगे उनके संग नहीं होगा। इसलिए महाराज जी ने जो मच्छर के द्वारा ये जगह दिखाया कि वास्तविक में जो लोग रूप रघुनाथ की भजन कर रहे हैं वो सभी धामवासी के दर्शन करते हैं, जीवों के अंदर भगवान की बात देखते हैं। महाप्रसाद के सेवन के महिमा महाराज जी का अभी हम लोग श्रवण किया कि जो महाप्रसाद है, चाहे जो पात्र में दिया गया, वो सभी भगवान की कृपा है। वो नहीं, उसमें महाप्रसाद में द्रव्य बुद्धि नहीं करते थे। देखो ये अप्राकृत वैष्णव चरित्र है, क्योंकि महाप्रसाद में हम लोग देखते हैं कि नमक ज़्यादा हो गया इसलिए हम लोग को सब चीज़ सूट नहीं करता, क्योंकि हम लोग वो प्रसाद बुद्धि नहीं है। महाप्रसाद में जो अप्राकृत बुद्धि जिसको हो जाएगा, जैसे दास गोस्वामी ने, जैसे चावल जगन्नाथ जी के जो निर्मल्य चावल अभी सड़ गया है, नाली से लेकर के पा रहे थे, दास गोस्वामी ने दिखाया। तो महाराज जी की जो अप्राकृत भजन देखिए उस प्रकार, उस लेवल के हैं, किस प्रकार वो महाप्रसाद के जो जो पत्र है, जो पत्तल है, साल के पत्ते और केले के पत्ता, उसको भी महाप्रसाद, क्योंकि वो महाप्रसाद है, भगवान ने ग्रहण किया है और हमको प्राप्त हुआ है, उसको सेवन करते थे। उसमें कभी नहीं सोच रहे थे कि हमको जो स्वादिष्ट चीज़ है उसको ग्रहण करना, जो स्वाद नहीं है उसको नहीं ग्रहण करना। इससे हम लोग को भी ये बुद्धि ये होना चाहिए। और महाराज जी का ये विशेष चरित्र जो है वो भक्ति विलास भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, वो तीर्थ स्वरूप हैं, वो तीर्थ को प्रकट करने वाले हैं। क्योंकि तीर्थ यहाँ महाराज जी के ये जगह में हम लोग क्यों आए, क्योंकि ये तीर्थ है। क्योंकि जहाँ एक वैष्णव ऐसे शुद्ध भक्त भगवान महाप्रभु के परिकर यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, जहाँ वास करते हैं, जहाँ अपने चरण रखें, उनका चरण चिन्ह है, उनके वैभवत जो वस्त्र प्रसाद, ये तीर्थ स्वरूप है, इसीलिए हम लोग आए हैं। और तीर्थ खाली जाने से भागवत में कहा गया क्या, जत तीर्थ बुद्धि सलिल न करिचित जनेशु अभिज्ञेशु स एव गोखर। जिसको बुद्धि सोच रहा है कि तीर्थ में जल बुद्धि करना, जाकर कोई कुंड में स्नान कर लेना, गंगा में जमुना में जाकर डूब देना, तो वो हमारा तीर्थ यात्रा हो जाता है, नहीं। महाप्रभु ने क्या किया, गया यात्रा मरो तीर्थ यात्रा मरो सफल आमार। जब महाप्रभु ने ईश्वर पुरीपाद के दर्शन किया गया में, वो तो पिंडदान करना एक बहाना था, लेकिन वास्तविक में महाप्रभु ने ये स्थापन किया कि इसलो ईश्वर पुरीपाद जैसे शुद्ध वैष्णव का दर्शन ही वास्तविक तीर्थ यात्रा है, तीर्थ दर्शन है। इसलिए हमारा यह आना महाप्रभु के, हम लोग जो आगमन हुए आज एकत्रित हुए हैं, वास्तविक हम लोग तीर्थवास कर रहे हैं। क्योंकि भगवत धाम के अंदर भी शुद्ध भक्तों की महिमा भगवान की महिमा से कहीं अधिक है। इसलिए आज मैं अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि अभी हम लोग महाराज जी के जो लोग अंतरंग शिष्य हैं, जो महाराज जी की लीला जो जानते हैं, वो लोग डायरेक्ट श्रवण किया, उनके संग किया, ये सब को हम लोग श्रवण करना चाहिए। इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी रूपी पुष्पांजलि उनके चरण में अर्पण करता हूँ।
और मैं प्रार्थना करता हूँ कि महाराज जी हमारे ऊपर कृपा बरसाए कि हम लोग के अंदर में वो भजन बुद्धि, वो भगवत बुद्धि, धाम वासी की प्रति प्रपर बुद्धि और भजन में हमारा प्रवेश हो। हाँ, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंशाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु वच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।